वास्तुशास्त्र के एक बहुत ही विचित्र तथा बहुत ही सटीक भूमि परीक्षण विधि को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। भूमि परीक्षण विधि एक विधि है जिसके माध्यम से यह आप जान सकते हैं कि यह भूमि आपके रहने योग्य है या नहीं। आज के समय में अधिक लोग फ्लैट, अपार्टमेंट इन चीज़ों में रहते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके पास अपनी खुद की भूमि है या फिर अपना खुद का लैंड आप खरीदना चाहते हैं और खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आपको यह देख लेना अति आवश्यक है कि वहाँ जहाँ पर आप घर, ऑफिस या फिर जो भी निर्माण कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वह आपके योग्य है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के ऊपर एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही प्रारंभिक ज्ञान को लेकर हम वीडियो श्रृंखला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें हमने भूमि परीक्षण विधि के ऊपर बात किया था, जिसमें गंध, रस, उसके अपने स्वाद और प्लव, पानी के बहाव के आधार पर हम यह जान सकते थे कि वह भूमि आपके रहने योग्य है या नहीं। आज का हमारा विषय गर्त परीक्षण है। गर्त का अर्थ होता है गड्ढा। भूमि में गड्ढा करके हम किस प्रकार से यह परीक्षण कर सकते हैं कि वह भूमि आपके रहने योग्य है या नहीं, जिसमें हम दो विधि के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही सरलतम विधि है, एक है मृतिका पूरण परीक्षण और दूसरा है जल पूरण परीक्षण। मृतिका पूरण परीक्षण क्या है? कोई भी भूमि, कोई नया भूमि हो जिसमें आप घर आदि कुछ भी निर्माण कराना चाहते हो, या फिर आपकी पहले से ही भूमि हो जिसमें घर बना हुआ हो, वहां पर अपना खाली स्थान पड़ा हो, तो उसमें भी आप ये इस परीक्षण को करके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लगभग 1.5 फीट, एक हाथ इतना क्यूब बनाना है, मतलब कि एक हाथ लेंथ, एक हाथ ब्रेथ और एक हाथ नीचे गड्ढा आपको करना है उस भूमि में। जहां पर भी मैं जाता हूं भूमि परीक्षण के लिए, तो वहां पर 1.5 फीट का एक क्यूब बनवाता हूं। तो 1.5 फीट का क्यूब एक आइडियल क्यूब है जिसे आप बनवा सकते हैं, मतलब कि उसका लेंथ 1.5 हो, ब्रेथ 1.5 हो और हाइट 1.5 हो। इस प्रकार का आपको गड्ढा उसमें एक भूमि में करवाना है और उसके सारे मिट्टी को बाहर निकलवा देना है और पुनः उस मिट्टी को उसी गड्ढा में भर देना है। यदि मिट्टी पूर्ण रूप से भर जाता है और उसके किनारे से और थोड़ा थोड़ा अधिक भरा हुआ रहता है, मान लीजिए मिट्टी पूरा नहीं भरा, थोड़ा सा और उसके गड्ढा के ऊपर आ गया है, तो ऐसा भूमि बहुत ही शुभ माना गया है, वृद्धिदायक ऐसा भूमि माना गया है। ऐसे भूमि में वास करने वाले जातक सदैव उन्नति को प्राप्त करते हैं, सुख समृद्धि उस घर में, उस ऑफिस में सदैव बना रहता है, अष्टलक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, दिव्य तुल्य कार्य वहां पर किए जा सकते हैं और उसका फल आपको प्राप्त होगा जहां पर गड्ढा भर जाता है और थोड़ा सा ऊपर की ओर मिट्टी आ जाता है। वैसा भूमि जहां पर गड्ढा पूरा न भरे वह हानिप्रद भूमि माना गया है। मान लीजिए आपने मिट्टी निकाला और पुनः आपने मिट्टी जब डाला तो उसमें स्पेस थोड़ा सा बच गया, 1 इंच भी अगर स्पेस बच जाता है, थोड़ा सा भी, समतल जमीन से 1 इंच भी नीचे अगर जाता है भूमि का मिट्टी, तो वह शुभ नहीं माना जाता, वो लॉस प्रद है। वहां पर रहने वाले जातक को सदैव लॉस होता है। और यदि पूरा पूरा समतल हो जाता है, आपने मिट्टी निकाला, पुनः मिट्टी आपने भरा, तो वो भूमि जो आपने गड्ढा किया था उस गड्ढा में पूरा प्लेन हो जाता है, तो वह सम भूमि माना गया है। उसमें अनेक प्रकार के उपाय या फिर इंटीरियर वास्तु को करके आप उससे बहुत ज़्यादा लाभ निकाल सकते हैं। बहुत ही शुभ भूमि, रहने योग्य भूमि, वैसी भूमि मानी गई है। लेकिन अगर गड्ढा नहीं भरता है तो वहाँ पर वास नहीं किया जाता, वहाँ पर अन्य विधान है, वहाँ पर दूसरे चीज़ों को बनाया जा सकता है, वहाँ पर कुछ और उपाय करके तब उसे निवास योग्य भूमि बनाकर तभी उसमें घर बनाना चाहिए या फिर ऑफिस आदि कुछ भी बनाना चाहिए। जब तक उसका जो दोष हो रहा है, उस दोष को, जो मृतिका पूरण दोष है, उसको अगर दूर नहीं किया जाए तो वह लॉस प्रद रहेगा। दूसरा भूमि परीक्षण का विधि है जल पूरण परीक्षण।
पुनः उस गड्ढा या फिर एक नया गड्ढा बना सकते हैं, 1.5 फीट हाइट, 1.5 फीट लेंथ और ब्रेथ लेकर एक क्यूब, उसको गड्ढा आप करवा लें। शाम के समय, संध्या के समय इस गड्ढा को करवाना है और रात्रि में उसे पूरा पानी से लबालब भर देना है उस गड्ढे को। सुबह सूर्योदय के एक घंटा के अंतराल में आपको वहां पर पहुंचकर उस गड्ढे का आपको निरीक्षण करना है। मान लीजिए गड्ढा थोड़ा सा फैल गया हो पानी के कारण, मान लीजिए 1.5 फीट मतलब कि आपका लगभग 18 इंच, 18 इंच का लेंथ हुआ, 18 इंच का ब्रेथ हुआ और 18 इंच का हाइट हुआ, तो 18 इंच से मान लीजिए 19 इंच हो गया है, या फिर 18 से जितना भी ज़्यादा होए उतना अधिक वो भूमि वृद्धिदायक भूमि होती है। वैसे भूमि में वास करने से सदैव उन्नति, सुख, समृद्धि, अष्टलक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, धन संपत्ति उस भूमि में संचित होता है, वहाँ पर जातक ग्रो होता है, वहाँ पर कोई भी जातक अगर रहे तो अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। लेकिन मान लीजिए उस गड्ढा में कुछ भी बदलाव नहीं होता, 18 इंच का 18 इंच ही रहता है, तो वह भूमि समभूमि मानी गई है, वह भी कोई खराब भूमि नहीं है, वहाँ पर आप अनेक उपायों के साथ वहाँ पर वास कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत ही सुख समृद्धि प्राप्त होगी। बस आपको वहाँ पर के किसी भी दोष को नहीं उत्पन्न होने देना है जो इंटीरियर वास्तु का दोष होता है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आगे वीडियो बनाएंगे क्योंकि यह हमारा वीडियो का श्रृंखला बिल्कुल फंडामेंटल जो वास्तु के फंडामेंटल ज्ञान है उसके ऊपर आधारित है और उससे हम फिर हाई लेवल में बढ़ेंगे। तो आप उपायों के साथ वहाँ पर आराम से रह सकते हैं, वह समभूमि है, बस आपको घर वास्तु के आधार पर बनाना है। और यदि उस भूमि में, उस गड्ढे में, उसके लेवल में अगर दरारें पड़ जाएं, उसके वॉल्स में, वो जो क्यूब है उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट में कहीं पर भी नीचे पेंदी में अगर दरारें आ जाएं, तो वह भूमि आपके रहने योग्य भूमि नहीं होती है, उस भूमि में वास करना बिल्कुल भी सुखप्रद नहीं होता है, वह क्षयंकरी भूमि के रूप में मानी गई है। क्षयंकरी अर्थात कि क्षय करवाने वाला भूमि, लॉसेस उत्पन्न होगा उस भूमि में यदि आप वास करेंगे या फिर किसी प्रकार का वास्तु वहां पर बनेगा तो वह वास्तु आपको सदैव लॉस ही देगा, इसलिए उसके दोष का निवारण, जल पूरण दोष का निवारण करना आवश्यक है, तभी आप उस भूमि में वास कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने दो विधि के ऊपर बात किया जिसे हम आपके भूमि के परीक्षण के लिए यूज कर सकते हैं कि वह भूमि आपके रहने योग्य है भी या नहीं। इसके बाद हम दिक् साधन के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम उस भूमि में जो द्वार का निर्माण किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, किस दिशा में हम द्वार बना सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि दक्षिण मुख वाला जो द्वार है वो सुखद नहीं होता, वो शुभ नहीं होता, लेकिन मैं आपको बतलाऊंगा दक्षिण दिशा में भी और किस जगह आप द्वार बनाए जिससे वह घर, वह वास्तु सुखप्रद हो जाए, सफलताप्रद हो जाए। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और वैदिक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। यदि आप अपने भूमि का परीक्षण करवाना चाहते हैं या फिर वास्तु परीक्षण करवाना चाहते हैं या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।